मेरे चैनल का नाम है रॉयल कंप्यूटर्स। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। दोस्तों, हर सर्किट बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे रहते हैं। इस तरीके से कंपोनेंट होते हैं और ये आपका सर्किट होता है। इस सर्किट पे ये कंपोनेंट इस तरीके से लगाए जाते हैं। इसमें हर कंपोनेंट का अलग अलग कार्य होता है, जिसके लिए हम चर्चा करेंगे। नंबर एक, कैपेसिटर। कैपेसिटर का मुख्य कार्य होता है पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना और ज़रूरत पड़ने पर सर्किट को प्रदान करना। इसकी दो टांगें होती हैं, एक नेगेटिव वाइट पट्टी होती है, यहाँ ये नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होती है। ये अक्सर आपको हर सर्किट में मिल जाएगा। नंबर दो आता है आपका ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर है, इसका मुख्यतः काम क्या होता है, एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करना। 240 वोल्ट 220 वोल्ट को परिवर्तन करके 12 वोल्ट बना देता है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट जो हैं हमेशा डीसी से ही चलते हैं। ये भी आपको अक्सर मिल जाएगा, जैसे कि ये लगा हुआ ये कैपेसिटर। फिर आता है आपका ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। इसमें साउंड और पावर कुछ भी हो सकती है। इसमें जो है इसकी तीन टांगें होती हैं, एक एमीटर होती है, एक बेस होती है बीच वाली, और इधर वाली होती है कलेक्टर। कलेक्टर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करती है, और ये आपका ग्राउंड होता है और ये जो आपका निकास होता है, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ज़्यादातर सर्किट में आपको इस तरह के जो लगे मिल सकते हैं। ट्रांजिस्टर, ये देखिए, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ। नंबर तीन की बात करें, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मुख्य कार्य होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध का किसी सर्किट में जब रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसमें रुकावट करता है ये सर्किट में पावर की। ये कलर कोड के हिसाब से होते हैं और इसके जो मात्रक होता है ओम होता है। इसकी वैल्यू जो है हमेशा ओम में आती है। अगले की बात करें तो अगला है आपका डायोड। ये डायोड आपका, डायोड का मुख्य कार्य होता है एसी को डीसी में सप्लाई करना। यह करंट के फ्लो को एक दिशा से दूसरी दिशा में भेजता है। इसमें जो सफ़ेद कलर का ये निशान है, ये देखिए आप, ये सफ़ेद कलर का जो निशान है, इसका काम क्या होता है, जब पावर इधर से इधर को चलती है तो ये पावर को यहाँ भेज का काम करता है, ये वापस नहीं जाने देता। ये आपका जनरेटर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इन्वर्टर वगैरह सब में मिलेंगे आपके, और बहुत सारे होते हैं, वेरिस्टर होते हैं, और ये सॉलिड कैपेसिटर होते हैं। ये सॉलिड कैपेसिटर है, ये एल्युमिनियम का बना होता है। इस तरीके से सारे कंपोनेंट को जोड़ के इस तरीके से सर्किट बना दिया जाता है। ये एक CFL का सर्किट है। तो दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।